हे गाइस, टेक एफ सी की इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों और इंजीनियर्स ने बनाकर तैयार की है कुछ नई टेक्नोलॉजी, और इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गैजेट्स में किया जाता है। ये गैजेट्स जिन्हें आज आप देखने वाले हैं, इनका साइज तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये आपके बड़े बड़े काम आसान कर देंगे। और एक सबसे काम की बात ये कि इनमें से कुछ गैजेट्स तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, जिन्हें आप नीचे दी गई लिंक से खरीद सकते हैं। तो फिर जल्दी से चालू करते हैं इन कमाल की गैजेट्स की कतार को, जिन्हें आप पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत होगी नोमोडो से। काम करते वक्त टेबल पर रखी हुई कॉफ़ी कई बार हम भूल ही जाते हैं, और फिर यह पीने लायक बचती ही नहीं। लेकिन अगर आपकी काम की टेबल पर आपके पास ये गैजेट है, तो फिर आपकी कॉफ़ी ठंडी बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक भी अब कोल्ड रहेगी, जैसे किसी भी फ्रिज में रहती है। ये गैजेट आपकी कोल्ड ड्रिंक को कूल भी रखेगा। और हम अपना स्मार्टफोन भी अपने टेबल से उठकर चार्ज पर नहीं लगा पाते हैं, तो इस गैजेट पर वायरलेस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। यानी कि यह कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी को मेंटेन रखने के साथ साथ आपके स्मार्टफोन को भी चार्जिंग, वो भी फास्ट वाली चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। और यह आपकी काम की टेबल पर अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जगह लेगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत ही कम जगह लेगा और आपके यह दोनों काम बड़ी आसानी से और बड़े कूल तरीके से कर देगा। सो गाइस, नंबर 9 पर आते हैं यूएसबी बैटरी। ये स्मार्ट चार्जर और पावर बैंक तो अभी अभी की बात है। इस तरह की बैटरी हम हमारे घर के रिमोट में या फिर टीवी के रिमोट में, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। तो अब यह बैटरी भी थोड़ी मॉडिफाइड हो चुकी है, और इसका डिज़ाइन भी किसी यूएसबी की तरह है, लेकिन ये यूएसबी का काम करती है, और स्मार्टफोन को या फिर आपके स्मार्ट डिवाइस को चार्ज करने के लिए। इसकी मदद से आप अपने ड्रोन के रिमोट कंट्रोलर में इसमें लगाकर उसे चला सकते हैं। आपके लैपटॉप में चार्जिंग जो उसी के चार्जर से होती है, लेकिन यह छोटी सी यूएसबी बैटरी आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर देती है, और आपकी कई सारी स्मार्ट डिवाइस, चाहे छोटी बैटरी हो, बड़े आराम से चार्ज कर सकती है। यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइटवेट है, और छोटे साइज होने की वजह से इसे आप अपने पास रखना बेहद पसंद करते हैं। नंबर 8, फ्लैक्स टैब। चिपकने वाली टैब, जिसे आपने कई सारी चीज़ों को चिपकते हुए देखा होगा, और कई सारी टूटी हुई चीज़ों को या बॉक्स को हमने इंस्टेंट जोड़कर फिर से सही किया होगा, लेकिन यह टैब वह काम करती जो दूसरी टैब नहीं कर सकती, और हमारी एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती जिसके लिए हम हमेशा परेशान होते रहते हैं, पानी लीकेज की प्रॉब्लम। क्योंकि पानी जहां से लीकेज होता है, फिर उस जगह को वह इतने अच्छे से पहचान लेता है कि बस पूरा खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और हमारे घर की पाइपलाइन फिटिंग, जिसे फिर से दोबारा करवाना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अब आपकी पाइपलाइन नहीं बदलिए, उसके लीकेज में लगा दीजिए यह टैप। और अगर आपकी नहाने वाली बाल्टी या किसी भी काम आने वाली बाल्टी से भी पानी लीकेज हो रहा है, तो बस इस टैप को अपने हाथों में लीजिए, और तेज़ निकलने वाली पानी की धार को अनदेखा करते हुए यह टैप उस पर लगा दीजिए। जैसे ही आप इस पर लगाएंगे, यह बिल्कुल मजबूती के साथ उस जगह को पकड़ लेगा, और पानी के तेज बहाव से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यह स्ट्रॉन्ग मटेरियल और हैवी ड्यूटी वर्कर के लिए बनाया गया है, और पानी के बचाव के लिए और पानी के स्टोरेज के लिए यह टैप बहुत ही बढ़िया चीज़ है। नंबर 7, प्रसी। आपके हैंड फ्री सॉकेट में अब सिर्फ हैंड फ्री ही नहीं लगाई जाएगी, उसमें लगेगा यह बटन। इसके साथ आपको स्मार्टफोन एक ऐसा फिजिकल कंट्रोल मिलेगा जो उसके दूसरे बटन के साथ नहीं मिल पाएगा। इसे हैंड फ्री सॉकेट में लगा देने के बाद आप आपके स्मार्टफोन के फेवरेट फीचर को इसके दबाने के साथ ही इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे तो हमारे स्मार्टफोन में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कैमरा, म्यूजिक, वीडियोस, पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारे स्मार्टफोन्स में है। लेकिन इमरजेंसी में आप अपने स्मार्टफोन की टच स्क्रीन का इस्तेमाल करके या उसे चला करके इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन इस बटन के साथ आपके इमरजेंसी में काम आने वाले फीचर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस बटन की एक क्लिक के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं, अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी फोटो लेकर अपने फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को सेंड कर सकते हैं। तो यह एक बटन है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन बड़ा ही काम का है। नंबर 6, स्ट्राटोस। हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, और अब हमें पॉकेट में पैसे नहीं रखना पड़ते, सिर्फ कार्ड ही से हमारा सभी तरह का पेमेंट लगभग हो गया। पर हमारे पास तो मल्टीपल कार्ड्स और मल्टीपल बैंक के अलग अलग कार्ड को हम अपने वॉलेट में कैरी करते हैं, जिससे आपके वॉलेट का वेट और साइज दोनों उसकी कैपेसिटी से बाहर चले जाते हैं। तो अब अपने वॉलेट को आराम दीजिए, और उसमें रखिए सिर्फ ये कार्ड जिसमें आपके मल्टीपल कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और आप अपने सभी कार्ड की इन्फॉर्मेशन को इसमें रखने के बाद इसे अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। और अगर ये कार्ड आपके पास से कहीं गुम हो जाता है, तो फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह कार्ड जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आपके स्मार्टफोन के ब्लूटूथ से आप इसे ऑन नहीं करेंगे। नंबर 5, लिंक यू वियरेबल चार्जिंग केबल। हाथों की कलाइयों पर हम जो भी ब्रेसलेट पहनते हैं, शायद अभी तक वह आपके किसी काम आया नहीं हो, लेकिन यह वाला ब्रेसलेट आपके स्मार्टफोन की चार्जिंग प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जरूर काम आएगा।
सो गाइस, ये ब्रेसलेट नहीं चार्जिंग के लिए केबल है जो आपके हाथों में एक ब्रेसलेट की तरह चमकेगा। और केबल्स जिन्हें हम ले तो जाते हैं जो थोड़ी सी भी खींच जाने वाली प्रॉब्लम से खराब हो जाते हैं, और हमारे पास पावर बैंक हो या दूसरी कोई भी चीज, या फिर हम अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस को चार्ज नहीं कर पाए, तो अब इस केबल को कभी मत खोइए। अपने हाथों पर बांध लीजिए और उसके बाद आपके हाथों में बंधे हुए आपको कहीं भी अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग करने के लिए आसानी मिल जाएगी। यह वियरेबल केबल इजी मैग्नेटिक अटैच फंक्शनल वाली फीचर्स के साथ है जो आपके हाथों की कलाइयों में भी आसानी से अटैच हो जाएगी। नंबर 4, एमपी। स्मार्टफोन में कितने भी स्मार्ट फीचर क्यों ना हो, उन सभी फीचर्स को चलाने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन की बैटरी को तो बचाकर रखना ही पड़ेगा। और अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा नहीं चलती तो फिर आपका काम आधा टाइम तो दीवार में लगे हुए स्विच के पास ही गुजर जाएगा। तो अगर आप अपने स्विच बोर्ड के पास नहीं बैठना चाहते हैं और फिर भी अपने स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज रखना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पावर बैंक जिसके लिए आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इस पावर बैंक के साथ आपको बिल्कुल ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना छोटा है कि आप इसे अपने हाथ में लेकर बैंड की तरह बांधकर अपनी बाइसिकल को चला सकते हैं, अपनी चाबी के साथ चेन की तरह लटकाकर, या फिर अपने पॉकेट में रखकर आसानी से अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और पॉकेट में रखा हुआ यह आपका स्मार्टफोन इस लाइट वेट गैजेट के साथ यूएसबी कनेक्शन के बाद आराम से आपके पॉकेट में ही चार्ज हो जाएगा और आपको स्विच बोर्ड के पास बिल्कुल नहीं बैठना पड़ेगा। नंबर 3, मैग्नेटिक नोट्स। नोट्स हम राइटिंग करते हैं और नोट्स के एक पेज पर लिखते हैं, और उसके बाद जब हम उस दोबारा नहीं लिख पाते और यही कई सारे नोट्स के पेज हम नोटबुक में ही दबाकर अपने बैग में दबे हुए रखते हैं, लेकिन अगर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं और उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो ये मैग्नेटिक नोट्स आपके लिए बहुत ही काम के हैं। इसमें आप एक बार नहीं कई बार राइटिंग कर सकते हैं। यह नोट्स अपने साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं और सिर्फ लोहे वाली चीजों पर ही नहीं चिपकते हैं, हर जगह पर चिपक जाते हैं, जैसे आपकी दीवार पर, आपके बैग पर, आपके स्मार्टफोन पर, आपके घर की कोई फर्नीचर वाली चीज पर, और भी बहुत सारी जगह पर, सभी जगह आसानी से चिपक जाते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर को कोई चीज कहना चाहते हैं और आप उसे कह नहीं पा रहे हैं, तो इस पर लिखकर उसकी काम वाली जगह पर लगाकर आसानी से कह सकते हैं। और अगर आप घर पर जाते हुए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, तो इसे चिपका कर मैसेज भी छोड़ सकते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल करने के लिए इस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं, एमस्टिक्स। क्या आप अभी भी अपने हाथों में लालटेन लेकर या फिर अपने हाथों में गैस की टंकी वाली छोटी सी बल्ब जलाने वाली चीज को लेकर घूम रहे हैं, तो उसे रख दीजिए और आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाने वाली इस स्मार्ट एलईडी लाइट स्टिक को अपने पास रखिए जो आपके स्मार्टफोन से ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट हो जाती है, और फिर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल होकर एलईडी लाइट्स प्रोवाइड करती है। और आपके स्मार्टफोन पर आने वाले इनकमिंग कॉल कभी आप नहीं देख पाते हैं, तो अभी अपने किसी भी कॉल को मिस नहीं होने देंगे, क्योंकि जैसे ही आपके स्मार्टफोन पर कोई भी कॉल आएगा तो इसकी एलईडी उसके नोटिफिकेशंस आपको दे देगी इसके जलभुज होने के साथ साथ। नोटिफिकेशन सिस्टम की मदद से इसे आप डार्क में अपनी बाइसिकल के आगे या पीछे कहीं भी लगाकर तो अपनी बाइसिकल को एलईडी वाली बाइसिकल बना सकते हैं। और अगर आप म्यूजिक सुनते हैं और आपको लाइटिंग वाला एलईडी सेटअप म्यूजिक सुनने में पसंद है, आप इसके साथ अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करके साउंड वीडियो मोशन करके इस एलईडी लाइट के साथ म्यूजिक का मजा भी ले सकते हैं। नंबर 1, होलोलेंस। अपनी आंखों पर हमने चश्मे तो बहुत पहन लिए, लेकिन यह गैजेट अपनी आंखों पर पहन लेने के बाद आपको अपनी आंखों में एक एक्सरे मशीन की तरह लगेगी। यह अपनी लेंसिंग क्षमता के साथ किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी आपको देता है, आपको आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सटीक तरीके से बता देता है। जैसे कि अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इस गैजेट के अपनी आंखों पर लगाने के बाद उसकी सभी प्रॉब्लम्स को पहचान कर बाइक के पार्ट को सही करवा सकते हैं। और इसी तरह से किसी पेशेंट की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको डिजिटल तरीके से हम इस गैजेट की मदद से अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, जिसकी मदद से इलाज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ऑपरेशन बिगड़ने वाली प्रॉब्लम हॉस्पिटल में लगभग खत्म हो जाएगी। और इस गैजेट को पहनने के बाद आप इमेज गाइडेंस की मदद से पहले से ही उस चीज़ को देख सकते हैं जो आप रियल में करने वाले हैं। और इस गैजेट का सिविल इंजीनियर्स को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, और हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग को एडजस्ट करने से पहले या फिर उसे बनाने से पहले पूरी लर्निंग और प्लानिंग और एडजस्टमेंट कर अपनी आंखों पर इसकी मदद से देख सकते हैं, जिससे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। और एक बार कंस्ट्रक्शन बना देने के बाद उसको तोड़ना भारी पड़ता है, जिससे काफ़ी नुकसान होने से भी बच जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी, ताकि अगला वीडियो और अगला सुपर कैसे आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।